गाइस, क्या आपका बजट जो है 30 से लेके 40,000 के बीच में है और आप लोग एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसके स्पेक्स काफी अच्छे हों? वैसे आपने काफी सारे देख भी लिए होंगे और ज्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी आपको रेकमेंड करेंगे i3 वाले या फिर Ryzen 3 वाले AMD के। तो बेसिकली गाइज, आज मैं आपको i3 या Ryzen 3 वाले लैपटॉप नहीं बताने वाला हूँ। मैंने चूज किए हैं i5 या Ryzen 5 वाले लैपटॉप जो सीरियसली काफी अच्छे हैं और अंडर 40,000 में आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, इन लैपटॉप्स के अंदर जो चीजें कॉमन रहेंगी वो मैं आपको बता दूं। पहली, जैसे 8 GB की रैम सबके अंदर आपको मिलने वाली है, 512 GB की SSD मिलने वाली है। इसका मतलब आपकी SSD मिलेगी तो आपको हार्ड डिस्क का कोई चक्कर नहीं है, लैपटॉप स्लो नहीं होने वाला है। साथ में मैंने आपको बता दिया है कि या तो मैं आपको इंटेल कोर i5 वाले बताने वाला हूं या फिर AMD Ryzen 5 वाले, तो बहुत अच्छे क्वाड कोर प्रोसेसर्स हैं। दोस्तों, i3 और Ryzen 3 को क्यों नहीं चुना है मैंने, क्योंकि वो डुअल कोर प्रोसेसर्स हैं और डुअल कोर प्रोसेसर इतना ज्यादा फास्ट या इतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता है। मुझे ऐसा लगता है वो फ्यूचर प्रूफ नहीं होते हैं, क्योंकि जब हैवी गेम्स या फिर हैवी आप कह सकते हो कुछ प्रोग्राम वगैरह आ जाते हैं तो लैपटॉप धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है। कुछ मंथ्स बाद ही यूजर्स को ऐसा लगने लगता है कि लैपटॉप स्लो हो गया है, और सच में स्लो हो भी जाता है क्योंकि डुअल कोर है, वो कितना भार झेलेगा और कितनी देर तक वो सही से चल पाएगा। इसलिए आपको i5 या फिर Ryzen 5 वाले लैपटॉप आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्राइटेरिया मैंने बता दिया है। वैसे इनके अंदर विंडो 10 या विंडो 11 प्री इंस्टॉल आपको मिलने वाली है। अगर विंडो 10 है तो आप उसे फ्री में अपग्रेड कर पाओगे, और ज्यादातर लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट फ्री में नहीं मिलने वाला है, तो ये आपको चीज देखनी पड़ेगी। बाकी का शुरू करते हैं। सबसे पहले निकल के आता है एसर की तरफ से Aspire 3। ये दोस्तों काफी अच्छा लैपटॉप है। इसके अंदर आपको Ryzen 5 मिल जाएगा AMD का। इसके अंदर आपको जो स्क्रीन साइज मिलता है वो मिलता है 15.6 इंच का। दोस्तों, लैपटॉप का प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, और करंटली जो मेरे को शो हो रहा था कुछ 39,000 समथिंग का शो हो रहा है, तो अंडर 40,000 में ये काफी अच्छा लैपटॉप है एसर का, अगर आपको पसंद है तो। वैसे इसके अंदर आपको विंडो 10 मिल जाती है, लेकिन आप फ्री में अपग्रेड कर पाओगे। बाकी दोस्तों, सेम चीज, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाएगी। दोस्तों, लैपटॉप काफी अच्छा है, जो भी लोग ट्राई कर पाएंगे जल्दी ही। दोस्तों, अगला नाम आ जाते हैं यहाँ पे इन्फिनिक्स का। इन्फिनिक्स की तरफ से इनबुक X1 स्लिम XL21 जो लैपटॉप आता है उनका काफी जबरदस्त है। दोस्तों, ये आता है इंटर कोर i5, वो भी 10th जनरेशन के साथ में, विंडो 11 प्री इंस्टॉल मिल जाती है, ये भी काफी जबरदस्त चीज है। दोस्तों, इस लैपटॉप के अंदर आपको वही चीज 8 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाएगी, तो लैपटॉप ओवरऑल बहुत जबरदस्त है। अगर बात करें स्पेशल फीचर्स की, तो इसमें बैकलाइट का ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे टाइप सी का चार्जर आता है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग आ जाती है। दोस्तों, जो भी लैपटॉप मैं आपको बोल रहा हूँ, इनके अंदर आपको नॉमिनल सी ही बैटरी लाइफ मिलेगी, बहुत ज्यादा हाई एंड बैटरी लाइफ नहीं मिलती है। मतलब 4 to 5 hours आप लगा के चल सकते हो, कि डेली यूजेस पे आप करते हो तो 4 से 5 hours तक चलेगी। वैसे कंपनी तो क्लेम ज्यादा करती है, कोई 7 hours करता है, कोई 9 hours करता है, लेकिन चलते सिर्फ 4 से 5 घंटे ही है। यहाँ आपकी बहुत ही नॉमिनल सी, बहुत ही हल्की यूजेज है, तो 6 घंटे चल जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं चल पाते हैं। बाकी दोस्तों, अगर बात करें स्क्रीन साइज की, तो 14 इंच का मिल जाता है फुल HD, तो काफी अच्छा है, जो भी लोग ट्राई कर पाएंगे जल्दी ही। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 39,990 रुपीज का, तो अंडर 40,000 में ये भी काफी अच्छा लैपटॉप है। वैसे अगला आ जाता है Xiaomi की तरफ से Redmi Book 15 Pro। ये काफी अच्छा लैपटॉप है, और करंटली इसका प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। मतलब अभी मैं देख रहा हूं तो इसका प्राइस बढ़ चुका है। थोड़े टाइम पहले मैंने इसका प्राइस देखा था तो 39,000 समथिंग का, लेकिन अभी इसका प्राइस जो है 44,990 रुपीज हो गया है। लेकिन बैंक ऑफर वगैरह अवेलेबल है, प्लस इसका प्राइस थोड़ा डाउन जाएगा बाद में, तो आपको थोड़ा नीचे पड़ जाएगा। बाकी बैंक ऑफर ला के आप कर सकते हो इसे नीचे। दोस्तों, इसके अंदर आपको विंडो 10 मिल जाती है प्री इंस्टॉल्ड, आप इसे फ्री में अपग्रेड कर पाओगे। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ प्राइस बढ़ने के बाद भी, क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, तो काफी अच्छा है, जो भी लोग ट्राई कर पाएंगे जल्दी ही। दोस्तों, इसके अंदर भी आपको 8 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाएगी, और इसके अंदर 15.6 इंच का डिस्प्ले साइज मिल जाता है, काफी अच्छा है, तो जो भी लोग ट्राई कर पाएंगे जल्दी ही। गाइस, अगला जाता है MSI की तरफ से मॉडर्न 14। दोस्तों, ये 14 इंच का लैपटॉप है फुल HD के साथ में। इसके अंदर भी आपको दोस्तों AMD Ryzen 5 मिल जाएगा, तो ये दूसरा हो गया Ryzen 5 के ऊपर, काफी जरूरत से लैपटॉप है। प्लस विंडो 10 मिल जाती है प्री इंस्टॉल्ड, जो कि फ्री में अपग्रेड कर सकते हो 11 में। इसके साथ में आपको दोस्तों 8 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाती है, तो काफी अच्छा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसमें भी आपको बैकलाइट का ऑप्शन मिल जाता है कीबोर्ड वगैरह में, और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह मिल जाता है, तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं कर पाएंगे जल्दी ही। दोस्तों, अगला निकल के आता है ऑनर की तरफ से मैजिक बुक X15। दोस्तों, ये जो लैपटॉप है काफी अच्छा लैपटॉप है, मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे बैकलाइट का मैंने कीबोर्ड का ऑप्शन बोल दिया, फिंगरप्रिंट मिल जाता है 2-in-1 जो कि पावर बटन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। दोस्तों, विंडो 11 के ऊपर ये भी बेस्ड आता है, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD मिल जाती है, 15.6 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है फुल HD, और दोस्तों काफी जबरदस्त लैपटॉप है। इसके अंदर इंटेल कोर i5 मिल जाएगा आपको, प्राइस आपको पड़ेगा सिर्फ 40,990 रुपीज का। दोस्तों, यहां पे बता दूं,
प्राइस फ्लक्चुएट हुआ है, अभी अभी कम हुआ है जस्ट। इससे पहले मैं देख रहा था तो ये 42 और समथिंग का पड़ रहा था, लेकिन अभी अभी जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूं तो ये थोड़ा सा कम हो चुका है। तो आप ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा लैपटॉप है। वैसे इसका एक छोटा भाई भी है X14, जो कि 14 इंच की डिस्प्ले के साथ में आता है। फीचर सारे सेम रहेंगे, लेकिन वो 14 इंच की डिस्प्ले है और ये 15.6 इंच की। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, दोनों ही सेम स्पेक्स के साथ में आते हैं। वैसे गाइस वीडियो कैसी लगी है बताइए जरूर कमेंट्स में। वैसे ये भी बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सा लैपटॉप मैंने मिस कर दिया है, आपको लगता है कि इस लिस्ट में होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो ये काफी अच्छे लैपटॉप मैंने आपको बताए हैं, जो भी लोग जल्दी ही, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं और आप जाके वैसे भी चेकआउट कर सकते हो साइट्स पे, Amazon और Flipkart के ऊपर ये मिलेंगे। तो वैसे ऑफलाइन मेरे ख्याल से शायद नहीं मिल पाएंगे, पर अगर मिलते हैं तो काफी अच्छी बात है, आप लोग जाके फिजिकली भी देख पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ऐसे कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।